सब सो गए। पता नहीं ये सोड़ी अभी तक क्यों जाग रहा है। अब कुछ भी कर लो नींद नहीं आएगी। देखिए कि माँ, जब भी तुम सपने में आती हो फिर पूरी रात तुम्हारी याद में मुझे नींद ही नहीं आती। जेठिया की माँ, कैसी हो तुम? मुझे याद कर रही हो ना? हाँ, इसीलिए तो मेरे सपने में आई। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आज तुम होती तो कितनी खुश होती। बेटी जैसी बहू का सुकून तुम्हें मिलता, कानूड़ा जैसा पोता टप्पू तुम्हें एक एक दिन एक एक जिंदगी जीने जितनी खुशियां देता। टप्पू के मुंह से बा ए बा की आवाज से पूरा घर गूंजता। काश तुम्हारी जगह मैं ऊपर चला जाता है तो आज जेठिया बहू टप्पू के साथ जीने की सारी खुशियां तुम्हें मिलती। तुम्हें पता है जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? बुढ़ापे में पोते का दोस्त बनकर जीना, और ये सुख तुम्हें मिलता। सच कहूं जेठिया की माँ, आज मेरे पास जिंदगी का हर सुख है। बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। हे जीरे, हे जीरे। तुम्हारी यादों की जगह अगर तुम खुद मेरे पास होती तो आज जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। सुन रही हो ना तुम? पोपट के घर में लड़की? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलो बुलबुल जल्दी चलो। सब सो रहे हैं, सोसाइटी से निकलने का ये सबसे अच्छा चांस है। अरे भाई चलो ना, और कितनी देर? पता नहीं ये औरतों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है। क्या ओ? टप्पू के पापा टप्पू के पापा उठिए, बापूजी बुला रहे हैं। अरे जेठिया, बापूजी जल्दी आया। बापूजी आया, क्या हुआ? जल्दी जल्दी आ बापूजी। अरे बाबूजी थोड़ा बर्फ लगा लीजिए, वो खून बंद हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बर्फ नहीं चाहिए भाई। अच्छा आई आई बाबूजी, आप बैठे बैठे बैठे। बाप रे बाप, कैसे लग गया बाबूजी आपको नाक पे? टप्पू का हाथ लगा? अरे नहीं नहीं, तो कैसे लगा बाबू जी? टप्पू का धक्का लगा, आप सोते सोते पलंग पे से गिर गए नीचे। अरे नहीं भाई, टप्पू ने कुछ नहीं किया। एक मिनट, टप्पू को जरा मिनट।
यहाँ पर कोई नहीं मम्मी, तुमने बुलाया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। क्यों उठाया बोलो, क्या हुआ? अरे भाई अभी आ गया था, चुपचाप खड़ा रहना भाई। बापूजी बताइए ना, आपको लगा कैसे नाक पे? तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अरे क्या किया क्या, तूने जोर से दरवाजा खोला, उसमें मुझे नाक पे लग गया। तू दरवाजा धीरे से नहीं खोल सकता? सॉरी बापूजी, वो ये इतनी रात को आपने एकदम वो दरवाजा खटखटाया ना, तो हड़बड़ी में दया से दरवाजा जरा जोर से खुल गया। सॉरी बापूजी, मुझसे जरा। लेकिन बापूजी आपने बताया नहीं आप हमें क्यों बुला रहे थे। बुला क्यों रहे थे आप हमें? जिद्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोपट के घर में एक लड़की को देखा। मुझे इतनी रात को आप पोपटलाल के घर पे क्यों गए थे? क्या बबूचक, मैं पोपट के घर नहीं गया था। तो अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी मैंने पोपट की बंद खिड़की के कांच पे एक लड़की की परछाई देखी। बापूजी क्या कहीं वो भूतनी तो नहीं होगी? मर गया। जैसे मैंने उसे देख लिया वैसे कहीं उसने भी मुझे देख लिया होगा। तो बापूजी आप डरिए मत, आप लोगों से पहले भूतनी को मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे भूतनी भूत ऐसा कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं टप्पू, मैंने लड़की की परछाई देखी। तो दादाजी वो भूत या भूतनी नहीं, पोपट अंकल के घर में सच्ची में कोई लड़की होगी। बापू जी कहीं ऐसा तो नहीं ये पोपट लाल की शादी नहीं हो रही है इसलिए वो बावरा हो गया, और रोज रात को लेडीज का कपड़े पहन के वीक बिग पहन के वो खुद ही अपनी पत्नी बन के अपने घर में घूम रहा हो? नहीं नहीं वो कोई लड़की ही थी। जिद्या? जिद्या, बारा बारा? क्या हुआ बापूजी? अरे कुछ नहीं हुआ। आप चिल्लाए क्यों? तू बारा तो बताता हूँ, बारा। क्या क्या बापूजी किया? जिद्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लड़की हो जिसे ढूंढने कल पुलिस आई थी? बापूजी जी, तो बेचारे पोपट भाई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे पोपट भाई क्या हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं? क्यों लड़की को भगाने में हमने पोपट लाल की मदद की? पापा डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई तू जा सो जा भाई, हर बात में कुछ नहीं होता है, भूतनी तो क्या कुछ नहीं होता है, मुसीबत में फंसेंगे तो क्या कुछ नहीं होता है। दया तूने इसको जगाया ही क्यों? सॉरी लेकिन ये जो बोल रहा है एक बार सुन तो लीजिए। बोल बेटा। अब मैं नहीं बोलूंगा। अरे ऐसा क्या कर रहा है दीका, बोल ना बोल। पापा ने बिना मेरी बात सुने डांट दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बेटा पापा की बात का बुरा नहीं लगाते हैं। हाँ, बस पापा भी अभी सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोलिए ना। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे बोल देना भाई सॉरी। अरे मुझे नहीं टप्पू को। सॉरी सॉरी सॉरी। अब बोल बेटा। बोल दीका बोल बोल। सॉरी दादाजी, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। सॉरी। याद आया। सॉरी वापस बापूजी। पापा पुलिस के पास क्या सबूत है कि आपने पोपट अंकल का साथ दिया? आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे बेटा वो तो मुझे भी पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस बार बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाएगी, वो भी एक प्रकार की सजा ही है ना। और एक बात समझ में नहीं आ रही है, बुलबुल है इलाहाबाद की, पोपट भाई है मुंबई के, दोनों का कोई मेल ही नहीं है तो दोनों मिले कैसे? और मिले तो मिले, पोपट भाई ने वो लड़की को अपने घर में आसरा क्यों दिया? और
अरे भाई पोपट लाल तो अपनी शादी के लिए बावरा है ही ना, वो अपनी शादी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक मिनट बापूजी, लगता है नक्की उसका घर में लड़की है, क्योंकि वो सोडा पीने भी नहीं आया। अरे हाँ, पोपट भाई ने मार्केट से लेडीज के कपड़े और मेकअप का सामान भी खरीदा था, अब पता चला ये उसी लड़की के लिए होगा। बापूजी अब क्या करें? पोपट भाई से बात करें? अरे नहीं नहीं भाई, उसने लड़की को भगा दिया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो सोसाइटी वालों से मिलकर बात करें। हाँ हाँ, लगा लगा, फोन लगा सबको जगह। हाँ। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, सोसाइटी वालों के साथ बात करने से पहले एक बार कन्फर्म तो कर लो कि सच में पोपट के घर में लड़की है ना। अरे बापू जी, कब से आप ही कह रहे हैं कि हाँ मैंने लड़की ही देखी है, लड़की ही देखी है, अभी आप ही बोल रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लो। हाँ। जेठिया, हमारे पास गवाह है लेकिन सबूत नहीं है ना, और बिना सबूत के कभी भी किसी पे भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ बराबर है, मेरी माँ भी यही कहती है। हाँ बापू जी सही कह रहे हैं, सोसाइटी वालों को बताने से पहले एक बार कंफर्म तो करना ही चाहिए कि सच में पोपटलाल के घर में लड़की है या नहीं है, क्योंकि अगर सोसाइटी वालों को जमा किया और कहीं वो परछाई बापूजी का भ्रम या सपना निकला तो हमारा पोपट हो जाएगा। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी पता कैसे लगाए कि पोपटलाल के घर में सच में लड़की है या नहीं है। बोल बोल बोल। हाँ बुआ, ग्रेट आइडिया। अरे बेटा, गैट तो मेरी माँ है, मैं जब भी माँ का नाम लेती हूँ ना तो मस्त मस्त आइडिया अपने आप ही मेरे दिमाग में आ जाते हैं। दया, तेरा और तेरी माँ का कोई ब्लूटूथ कनेक्शन है? कुदरती, आपको पता है एक बार मैं स्कूल में थी और माँ घर पर थी, तो माँ को ऐसे ही अचानक घर में बैठे बैठे पालक खमन ढोकला खाने का मन हुआ। मानोगे नहीं, मैं स्कूल से घर लौट रही थी, तब अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, माँ के लिए कुछ लेने का मन हुआ और मैंने क्या खरीदा पता है? पालक खमन ढोकला। एक बार पता है क्या हुआ, माँ ने मुझे कहा, भाई तू माँ चालीसा बंद करना अभी। पप्पू जी इधर इतना टेंशन हो रहा है, क्या बोले जा रही है? सॉरी, चलिए चलिए। सॉरी पत्रकार जी, हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? कुछ ही दिनों के लिए तो हम अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, फिर वापस आकर हम यहीं इसी घर को अपना स्वर्ग बनाएंगे। अब प्लान सुनो, हम यहाँ से पुलिस से छिपते हुए बस डेपो पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से सीधे पुणे और कल कुलदेवी माँ के मंदिर। ओके? अरे हाँ, तुम जरा मेरा छाता ले लो ना। हाँ हाँ, हमारे सौतन को कैसे भूल सकते हैं। ताना ताना कहाँ है? जल्दी 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 टप्पू के पापा, जल्दी 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 जल्दी। भाई चल रहा हूँ, चल ना। दया भाभी और जेठालाल यहाँ आ रहे हैं, तुम एक काम करो, ये सब सामान लेकर फटाफट अंदर जाओ। अरे मर गया। कौन? हम
कैसे हो? दया भाभी, जेठालाल, आप लोग इस वक्त यहाँ? सॉरी पोपट भाई, आधी रात को आपकी नींद बिगाड़ी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, क्या हुआ? पहली बार पोपट भाई का घर अस्त व्यस्त के बदले इतना व्यवस्थित है। ये काम कुंवारे पोपट भाई का तो नहीं है। घर इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित एक औरत ही रख सकती है। बताइए ना दया भाभी, जेठालाल कैसे आना हुआ? वो पोपट भाई आपके लिए शादी का रिश्ता आया है। अच्छा, ये बात बताने आप इतनी रात को यहाँ तक आई, थैंक यू दया भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या पोपट भाई, वो क्या है मेरे मामा की लड़की है पूनम है। पूनम है? मतलब वो क्या है कि दया की माँ के मुंह बोले भाई है, गोड बोले, महाराष्ट्र में है। तो क्या दया की माँ जात्रा बहुत करते रहते हैं ना, तो बरसों पहले वो गोदावरी में स्नान करने गए थे, वहाँ मुलाकात हो गई मामा के साथ, तब से रिश्ता बना हुआ है। लेकिन गोदावरी नदी तो नासिक में है। तो मामा किधर है, पूनम में कि नासिक में? वो क्या है, माँ और मामा दोनों नासिक में मिले थे गोदावरी नदी के तट पर, बाकी मामा रहते हैं पूनम में। अच्छा, तो मामा को पूनम में ही रखे ना? मतलब मामा अपने आप को पूनम में ही रखे हुए है ना? हाँ, वो तो पूनम में सही है। हाँ, वो मामा भी गए होंगे ना यात्रा पे नासिक, तो उधर मुलाकात हो गई, ऐसा बोल रही है दया। तो मामा पुणे में ही है। हाँ, तो पोपट भाई अभी सुबह 6 बजे मामा की लड़की को देखने के लिए पुणे जाना है, तो आप तैयार रहना। सुबह 6 बजे? अभी रात को सो जाएंगे तो कल सुबह 6 बजेंगे ना, तो वो 6 बजे वाला 6 बजे बराबर है ना? मैं बराबर जा रहा हूँ ना? नहीं, अगर गलत जा रहा हूँ तो मुझे सुधारना। नहीं, आप सही जा रहे हैं। तो सुबह 6 बजे तैयार रहना भाई। आईने पर बिंदी, नक्की पोपट भाई के घर में लड़की है। पोपट भाई ने मुझसे ये बात छुपाई? अरे भाई, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? सुबह वाले 6 बजे नहीं उठ पाएगा, रिश्ता कैंसिल कर दे। पोपट भाई, आपको शादी नहीं करनी है? नहीं 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 दया भाभी, शादी करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन इस बार अच्छा मुहूर्त देखकर लड़की को देखने जाना है। वो क्या है ना, हर बार वो बिना मुहूर्त देखे लड़की को देखने जाते हैं ना, तो रिश्ता होते होते टूट जाता है। दूध नो दजो छास फूकी फूकी ने पिए एना जेवु। तो जब तक मैं ना कहूँ आप मीटिंग फिक्स मत करना। पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का बाल? पोपट भाई, मैंने बहन का फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं की, पर आप भाई का फर्ज कैसे भूल गए? ठीक है पोपट भाई, अब अच्छा मुहूर्त देखकर हमें बताना, फिर लड़की देखने जाएंगे। नहीं नहीं, अरे क्या ऐसे मुहूर्त देखने थोड़ी बैठते है भाई। अरे लक्ष्मी चांदलो करवा आवे, तेरा मोटू धोवा न जावे। टप्पू के पापा चलिए। एक मिनट। चलिए टप्पू के पापा। अरे, अरे दया रुक, अरे दया, अरे बात तो सुन। डिटेक्टिव तारक मेहता, जासूस तारक मेहता, मेरी वेशभूषा है, मेरे कपड़ों को देख के शायद आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैंने अपना प्रोफेशन बदल दिया और मैं लेखक तारक मेहता से जासूस तारक मेहता हो गया हूँ, डिटेक्टिव तारक मेहता, माफ कीजिएगा, मैंने अपना प्रोफेशन नहीं बदला है, मैं जासूस नहीं हूँ,
जासूस है दया भाभी, और डिटेक्टिव दया भाभी ने जान लिया है कि पोपटलाल के घर में एक लड़की है, और हालात ये बता रहे हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बुलबुल है। पोपटलाल ने जमाने से सच को छुपा लिया, लेकिन दया भाभी डिटेक्टिव दया देवी की निगाहों से ये सच छुप नहीं सका। दोस्तों अब तक तो पोपटलाल और बुलबुल रास्ते में आए स्पीड ब्रेकर से उछलते कूदते लड़ते गिरते बढ़ते संभलते आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब रास्ते की दीवार बन के आ गई है दया भाभी। अब क्या होगा, क्या दया भाभी पोपटलाल को बचाएंगी? और कहीं जेठालाल और चंपकलाल को बता दिया तो, और कहीं गोकुलधाम निवासियों को यह खबर लग गई, यकीन मानिए बिना धरती हिले यहाँ पे भूकंप आने वाला है, और यहाँ गोकुलधाम निवासियों के दिलों में भूकंप आएगा और आपके घरों में हंसी का भूकंप आएगा, जिसे आप हास्य कंप कह दें तो भी कम नहीं होगा। तो आप हंसी के भूकंप का इंतजार करिए देखने के लिए अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.